छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का आगाज 8 फरवरी यानी शुक्रवार से हो रहा है। बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। 15 साल बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस सदन में बजट पेश करेगी, जिसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विधानसभा के सभी कार्यक्रमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 16 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक कुल 1826 प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें 1003 तारांकित प्रश्न है, 823 और अतारांकित, 660 ध्यानाकर्षण और 32 स्थगन आ गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट अनुदान मांग पर 13 फरवरी से चर्चा शुरू होगी। विनियोग विधेयक 6 मार्च को पेश होगा और 7 मार्च को इस पर चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। 6 तारीख तक 1826 प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें से 1003 तारांकित हैं, 823 अतारांकित हैं, ध्यानाकर्षण के मात्र 66 सूचनाएं अब तक प्राप्त हुई हैं, स्थगन 32 और 139 का मेरे ख्याल से एक ही मिला है जो कि कम है, अशासकीय संकल्प 11 आए हैं और शून्यकाल की सूचनाएं भी मेरे हिसाब से कम आया है, 4। लिहाजा एक माह तक चलने वाले बजट सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं। जहां विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।